एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉस्को का तीसरा दिन, सुबह सुबह नहा धो के निकले हैं हम कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखो कहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट, बाकी मैं आपको घुमाऊंगा। आज मैं दोबारा से लेके जाऊंगा आपको रेड्स के होते, वो देखते हैं कहाँ जाते हैं, बाकी देखते हैं कैसा रहता है दिन आज का और हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आज। फ्रेंड्स, मैं फाइनली डेस्टिनेशन हो गई थी जहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा आज। तो मैं किसी कैफ़े के अंदर हूँ जहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट अपना ऑर्डर किया है, कैपेचिनो और साथ में सैंडविच जिसको मैंने ग्रिल करने का कहा है। बाकी अब देखते हैं क्या होगा आगे, क्या कैसा होता है खाना इसका। तो गाइस, अब मैं फिर से रेड स्क्वायर आया हूँ और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। रेड स्क्वायर आने की मेरी वजह थी यहाँ पे म्यूजियम्स, यहाँ पे करीबन 10 से ज़्यादा म्यूजियम्स हैं और जिसको देखा जा सकता है। मेरा इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम्स में, तो देखते हैं हम कौन सा म्यूजियम्स कवर करते हैं। और अभी आप ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये म्यूजियम की ही बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये रेड स्क्वायर में कई सारे यहाँ पे डिप्लोमेट्स के ऑफिसेज हैं, म्यूजियम्स हैं। ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं और मस्ट विजिट प्लेस है ये। तो आप यहाँ पे जाइए, दिन में म्यूजियम्स को इंजॉय कीजिए। पैलेसेस हैं यहाँ पर, यहाँ पे आर्मी चैम्बर्स हैं जहाँ पे जिन्होंने रशिया के पुराने जो आर्म्स रखे हुए थे उसको उन्होंने दिखाया है उस म्यूजियम के अंदर। तो अभी देखते हैं हम कौन सा म्यूजियम जाते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली स्टेट हिस्टोरिक म्यूजियम ही जाएंगे हम अभी, क्योंकि ये सबसे पास है। जो सामने गेट देख रहे हैं, ये जो स्टॉल के पीछे जो गेट है, यहाँ पे स्टेट हिस्टोरिक म्यूजियम है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा अभी। तो आइए आपको अंदर घुमाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्लेस है, तो पूरा तो नहीं घूमा जा सकता, जितना घूमेंगे उतना आपको दिखाएंगे। जस्ट ये सामने जो गेट देख रहे हैं, ये स्टेट हिस्टोरिक म्यूजियम का है और इसके अंदर जो पहला म्यूजियम है वो है स्टेट हिस्टोरिक म्यूजियम। तो हम उसके अंदर जाते हैं। चलो,
नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम, ये अभी मैं कवर करके आया हूँ। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, करीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे आपको कवर करने में अगर आप ठीक से कवर करते हैं तो। बाकी यहाँ पर करीबन मैंने 800 रुपये खर्च किए हैं अंदर एंट्री के, एंड 600 रुपीस खर्च किए थे मैंने इंग्लिश ऑडियो के। इंग्लिश ऑडियो के लिए वो डिवाइस दे रहे थे मुझे, इसके अंदर इंग्लिश इंटरप्रेटर है जो कि पूरे म्यूजियम में डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स के बारे में बताता है, और इन हॉल्स के अंदर जो भी आइटम्स पड़ी हैं उनके डिस्क्रिप्शन बताता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ आप ले लीजिए उस चीज़ को, ताकि आपके उसके बारे में आपको नॉलेज मिले। और एक सिंपल सा डिवाइस है जिसके अंदर प्ले पॉज नंबर लिखे हुए हैं, और आप उसमें हॉल नंबर डालेंगे तो उस हॉल के बारे में वो बताएगा। बाकी अंदर काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, करीबन 2 फ्लोर्स हैं इसके अंदर, और 35 रूम्स हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। लाइक 16th सेंचुरी से शुरू हो के 19th सेंचुरी तक के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं रशिया के रिलेटेड, स्टोन एज के रिलेटेड, वो सब आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, तो आप विजिट कीजिए। मेरे पीछे एक चर्च है जो कि स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल म्यूजियम के सामने है। अभी मैंने कवर किया हिस्टोरिकल म्यूजियम, नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम, और ये चर्च है चर्च के अपोजिट, और मैं अभी इससे भी होके आया हूँ। अंदर से ज़्यादा अच्छा है देख लीजिए फुटेज में, बस इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे, बस क्या चर्च है तो एक अलग ही बात है। अभी हमने कवर किया एक म्यूज़ियम, साथ में एक कवर किया चर्च, अब मैं बाकी म्यूज़ियम नहीं घूमने वाला, बहुत थक गया हूँ, तो इसके की तरफ चलते हैं। इस सामने आपके दिन का व्यू है रेड स्क्वायर का, जितना सुंदर रात को लगता है उतना ही दिन में। अभी हम आए हैं यहाँ पे नेचर पार्क में, नेशनल नेचर पार्क में, और यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा सनसेट का, जो कि रेड स्क्वायर के ऊपर से जा रहा है, और साथ में मिलेगा चर्च का व्यू, और एक डॉम है, डॉम के साथ ही एक ब्रिज जा रहा है जो कि मॉस्को रिवर के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये सब इंजॉय करने को मिल सकता है। तो गाइस अब हम ब्रिज पे आए हैं, और जो बिल्कुल कॉर्नर में है पार्क के, जो जैसे बताया था मैंने आपको मॉस्को रिवर के ऊपर का ये ब्रिज है। ये ब्रिज क्रॉसिंग ब्रिज नहीं है, जस्ट फॉर टूरिस्ट पर्पस या साइट सीन पर्पस के लिए बनाया गया है, और ये एक तरह से हैंगिंग है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसका, तो ये अपने आप में इस बारे में अनोखा है। प्लस इसकी जो बाउंड्री है वो पूरी ग्लास की है, तो बहुत ही बढ़िया व्यू आता है हर जगह का, यहाँ से पूरा 360 व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये नज़ारा और भी सुंदर होता जाएगा रात के साथ, अंधेरा होता रहेगा, लाइटिंग दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या शानदार व्यू आ रहा है इस समय, आप इस व्यू को देखिए और इन्जॉय कीजिए, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है मॉस्को का, ओल्ड मॉस्को का है, और सामने आपके रेड स्क्वायर है, ये सामने डॉम है, सामने क्रेमलिन पैलेस है, और ये बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और आपसे मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।
और हाँ, चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरटेनमेंट करवाता रहूँगा मैं, घुमाता रहूँगा। बाय बाय।